तो हेलो आईटी फैमिली, वेलकम करते हैं आप सब लोग का एक और एपिसोड की न्यू वीडियो में। तो गाइस अगर भाई आप लोगों को बोला जाए कि अपडेट के बाद M10 में भी चिप लग रहा है तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। तो गाइस कुछ नहीं, आपको जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, M10 उठाकर चेक कर सकते हो, उसमें भी चिप लग रहा है। तो गाइस M10 में भी अब चिप लगना स्टार्ट हो चुका है, अपडेट के बाद अभी सिस्टम लाया है, ठीक ना। इस अपडेट में अभी चिप जब लग रहा है तो चिप से पहले का और चिप के बाद का, मतलब चिप लगाने के बाद क्या इस पर इफेक्ट पड़ता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। मतलब गाइस चिप के बाद M10 कैसा चलता है उसका रिव्यू करने वाले, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। लेकिन उससे पहले को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों लोग के पास भी शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो मैं M10 ले लिया, ठीक ना। M10 में आपको यहाँ पर देखोगे बैक खोल के तो आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि तीन चिप लग रहा है, ठीक ना। चलिए लगाते हैं 1, 2 और 3। चलिए मैं 3 चिप लगा लिया यहाँ पर M10 के अंदर। अभी देख सकते हो यहाँ पर भी इसका डैमेज क्या ही जबरदस्त पड़ रहा है, मतलब 26 का, 19 का, यहीं से डैमेज पड़ रहा है। देखिए इसके अंदर M10 में चिप लगाने के बाद इसका रेंज इंक्रीज हो जाएगा और साथ में रेट ऑफ फायर भी इंक्रीज हो जाएगा। देख सकते हो कितना जल्दी फायर करेगा, कतई जहर वाला, मतलब बहुत तेजी से फायर कर रहा है, बहुत दूर तक, मतलब इसका डैमेज लग रहा है। मतलब रेंज इंक्रीज कर दिया है, 15% रेंज इंक्रीज कर दिया है और रेट ऑफ फायर 5 या 7% रेट ऑफ फायर इंक्रीज कर दिया है। काफी अच्छा क्या है गाइस, डबल रेट ऑफ फायर वाले M10 का ट्रिपल रेट ऑफ फायर जैसा चलेगा, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो डियर आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।